वेलकम टू हनी नितिन मेहता, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो हेलो दोस्तों, आ गए हम बिलियार्ड्स में। ये एक पूल कैफे है और मेरे दोस्त ने ही खोला है। बाकी यहाँ पे आपको मिलाते हैं एक भाई से, हमारे नेगी भाई से। तो नेगी भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई। तो भाई बताओ, कैसे आया आइडिया ये खोलने का? 4-5 साल से खेल ही रहे हैं यार, पूल और स्नूकर हो गया, तो बहुत सारे कैफेज देख लिए, बहुत सारे नेशनल वो देख लिए हमने, एरिनाज देख लिए जहाँ पर मैच वगैरह होते हैं। तो काफ़ी सारे पैसे जा ही रहे थे हमारे खेलते खेलते, क्योंकि हम पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात के खेलते थे। तो फिर सोचा कि अपना ही खोल लेते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करना ही है। तो इसमें कितना लग गया होगा अभी तक? भाई हमारा टोटल अभी तक का लग गया भाई 10 लाख। 10 लाख सब कुछ मिला के? 10 से ऊपर ही चलेगा, पर मोटा मोटा 10 लाख रुपये। तो लोकेशन क्या है यहाँ पे अगर किसी को आना हो? ये इग्नू रोड पे भाई, साकेत में रोड पे जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पे साइड का विशाल मेगा मार्ट है हमारे जस्ट बगल में, और इधर लेंस कार्ट का शोरूम है, रेमंड का शोरूम है, उसके पास ही है। अच्छा, तो मतलब साकेत में अगर आओगे इग्नू रोड पे जेड मोड पे, आपको विशाल मेगा मार्ट के ठीक साथ में मिल जाएगा बिलियार्ड एरिना। तो इसमें 2 स्नूकर हैं और 2 पूल टेबल हैं, और जो सबसे सेक्सी चीज़ यहाँ की, ये हमारे कपिल भाई भी, और ये नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो रेट्स क्या क्या हैं भाई? स्कूल का इस वाले टेबल का 150 है, इस वाले टेबल का 180 है, और स्नूकर का भाई 300। तो इस पूल का है 180 और इसका 150। इसका 150 क्यों है? यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली ना कभी कभार शॉर्ट रुक जाता है इस पिलर की वजह से। अच्छा, इस पिलर की वजह से, इसलिए हमने थोड़ा प्राइस अपने आप ही थोड़े से कम कर दिए, ताकि मतलब लोगों को कन्वीनियंट लगे। तो चलो यार, ये बात सही है क्योंकि बंदों का शॉर्ट रुक रहा है, इसलिए सस्ता भी है, 150 का है। तो ज़्यादा यही खेलते होंगे? यही बंदों का शॉर्ट रुकना पसंद नहीं है। अच्छा, लोग पैसे वाले लोग आते हैं यहाँ पे। चलो ये भी सही है। अब बात करते हैं स्नूकर की। तो स्नूकर का क्या प्राइस है? स्नूकर का भाई 300 है पर आवर। 300। बाकी अंदर ये हमारा खाने पीने का सब कुछ है, ड्रिंक्स अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, स्मोकिंग अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो एक टेबल पे कोई वो है, मतलब काफ़ी बंदे खेल सकते हैं जितने भी अगर चाहें, जब कुछ वो है कि मतलब रेस्ट्रिक्शन है? मतलब पूल पे ऑब्वियसली 4 ही बंदे खेलते हैं, दो की टीम होती है। अच्छा, 2 ही बंदे खेलते हैं, और स्नूकर पर 3 टीम की टीम होती है, मतलब 6 बंदे खेलते हैं। अच्छा, तो स्नूकर का प्राइस है 300 पर आवर, और 2 पूल टेबल हैं, एक का है 180, एक का है 150। तो बाकी यार ये देख लो कितना इन्होंने सेक्सी बना रखा है। ये यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन है, एसी है, पंखे चल रहे हैं 24 घंटे। और आपको रेट से एक बार देखने हैं तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, बाकी आप ले भी सकते हैं। और अपने खाने और उसका भी रखा है, खाने और ड्रिंक्स भी रखे हैं। ड्रिंक्स का है हमारे।
अच्छा, ड्रिंक्स में क्या क्या मिल जाता है? ड्रिंक्स में भाई अभी तो फिलहाल में नॉन अल्कोहलिक बियर्स रखना की है, बडवाइजर है, कुकेशर है, हाइनेकन है, पानी अच्छा। है, कोल्ड ड्रिंक्स है। तो यार नॉन अल्कोहलिक बियर मिल जाएंगे आपको, बाकी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो उसका मतलब आप कुछ समझ सकते हैं, हम कुछ बताएंगे नहीं। और ये आपको अंदर ही अवेलेबल होंगी? सब कुछ मिल जाएगा पूरा। बाकी हमारा सिटिंग एरिया ये वाला है, जिसमें हमने बिग बैग लगा रखे हैं, सोफे लगा रखे हैं, हमने स्टूल्स रख रखे हैं बैठने के लिए, अगर शॉर्ट मारे जैसे, अगर किसी के साथ जैसे ज़्यादा बंदे आ गए तो वो लोग रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ये थोड़ा हमारा चिल आउट वाला एरिया, गाने वाने सुनने हैं तो। ओके, तो ये जो है मतलब अगर आपके साथ ज़्यादा बंदे भी आते हैं तो खाने पीने का है ही, यहाँ बैठ के आराम से आप चिल कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स इन्जॉय कर सकते हैं, और गिटार भी अगर किसी को आता तो बजा सकते हैं। बाकी इनकी थीम देखो, थीम इतनी प्यारी है, इनके यहाँ पर जो वॉच है वो भी पूल वाली है, और सबसे बढ़िया जो आपको ना किसी पूल में नहीं मिलेगी, मतलब मैं इतने पूल में चला गया दिल्ली के, बड़े बड़े की बात नहीं कर रहा, मतलब जो नॉर्मल अपने टाइप के होते हैं, आपको ना कहीं वॉशरूम प्यारा नहीं मिलेगा। यहाँ वॉशरूम देखो एक बार, पूरा क्लीन, हाइजीन, और सबसे सेक्सी चीज़ यहाँ की है। तो नेगी भाई एक बार ये बताओ यार, ये क्या है, क्यों मतलब है? यार ये एक्चुअली बहुत टाइम से हमारे दिमाग में था, हम इंस्टाग्राम पे सब देखते भी हैं, तो बंदों को लगता है कि पता नहीं कोई फॉरेन पे लोकेशन है। मैंने जब इसका पोस्ट वगैरह पे डाला था तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई तू कहाँ चला गया, ये कौन सा वॉशरूम है, मतलब ये कहाँ की काम नहीं है। तो मैंने बताया कि मेरे मतलब कैफे का ही एक वॉशरूम है, जिसमें हमने नियॉन लाइट्स लगवा रखी हैं, तो बस ऐसे मतलब थोड़ा सा क्लासिक सा बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा अलग दिखाने के लिए। तो जैसे ये लिखा आप समझ सकते हैं कि बाथरूम में सिर्फ आप हल्के हो सकते हैं और कुछ नहीं करना है। बाकी ये इनका फ्रिज है, एंड यहाँ पे ये जो पिज्जा वगैरह जो इनके बेवरेजेस हैं वो यहाँ पे सारे बनते हैं। ये हमारा 3-in-1 ओवन है, जिसमें कि वो नीचे मतलब इसमें हमारे मेन सेक्शन में पिज्जा वगैरह गर्म हो जाते हैं, ये हमारा कॉफी मेकर है इसी में, साथ में ऊपर ऑमलेट वगैरह मैगी वगैरह सब कुछ बन जाती है। अच्छा, और ये इनका फ्रिज है, इसमें आप देख सकते हैं ये सब कुछ नॉन अल्कोहलिक है, पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को ये ना बोल दे कि क्या चीज़। तो यार ये इसका सीन है बिलियर्ड्स का, इतने सस्ते रेट में इतना प्यारा कैफे, इतना प्यारा एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी बिलियर्ड्स अरीना नाम है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज इसका, और लोकेशन मैंने बता दी है, रेट सबको बता दिए, बहुत चीप रेट है, खा पी भी सकते हैं आराम से, मौज कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स है, सब कुछ है, मूवीज भी देख सकते हैं आप। और बाकी डू विजिट, और चैनल अगर पसंद आ रहा है मतलब ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आने वाले टाइम में और भी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, आई लव यू।